हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में और उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। उनकी मन की भावनाएं और उनके दिल की भावनाएं क्या है। ओके, सो जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सो उसी तरीके से देखिए, जो चीज आपसे रेजोनेट करे वो चीजें आपको लेनी है, और जो चीज रेजोनेट ना करे उसे जाने देना है, ठीक है। सो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्रिएटिविटी टर्निंग, ओके। नंबर फोर, नंबर थ्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये है उनकी मन की भावनाएं, ओके। इनवर्स गाइड करे और बताए इनके दिल में क्या चल रहा है। दिल की भावनाएं बताए, डिवाइन गाइड करे और बताए दिल में क्या चीजें चल रही है। लेट हिम गो, ओके। नंबर एट, अवेयरनेस, एडवेंचर, करेज। वन मोर कार्ड, इनवर्स, उनके दिल में क्या चीजें चल रही हैं। सेपरेशन, नंबर टेन, ओके। पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, टैरोट से भी हम देखेंगे, ओके। बर्डन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जिस कार्ड को क्लैरिफाई करना है मैं उसी कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। बर्डन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई दी बर्डन, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दी स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स, ओके। नंबर एट, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर सेवन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनकी राशि हो सकती है एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, पाइसिस, एरीज, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सो ये सारी राशियां हो सकती है। इनके माइंड में क्या चीजें चल रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं माइंड से शांत होने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। काफी लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से अपने माइंड को कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको इतना ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन सबसे छुप छुपा के कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी रख रहे हैं। यस, ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। आज भी आपको याद करते हैं, बट इनके मन में ना एक चीजें बहुत ही अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। वो है इनका बर्डन। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का बर्डन आपके पार्टनर लेने से जरूर भागते हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते का बर्डन लेना नहीं चाहते। इस रिश्ते में जो भी आप दोनों के बीच में जो भी बर्डन सिचुएशन रहता है ना, उस चीज को ये निग्लेक्ट कर रहे लेने से, ठीक है। इनको इनको सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में प्यार चाहिए, समय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको सुन के बहुत हंसी आ रही होगी कि ये चीज तो ये खुद ही ये बंदा या बंदी नहीं देता मुझे, ठीक है, नहीं देता या नहीं देती है, बट उसके बाद ये क्यों चाहता है मेरे से, या ये क्यों चाहती है मेरे से टाइम देना, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि इन्होंने आपको समय ना दिया हो, बट इस समय कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे टाइम की उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको थोड़ा समय दे दो। बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्न होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, आप दोनों की एनर्जी में शिफ्ट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं आप इनका रोल लेके बैठे हो, ठीक है, और ये आपका रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रोल चेंज हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन महसूस कर पा रहे, पहले ये बिजी रहते थे, इनके पास समय नहीं होता था, अब ऐसा लग रहा है कि आप बिजी, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है, ये इनकी मन की भावनाएं बता रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि पास्ट में ये आपको समय नहीं दे पाते थे, पास्ट में ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाते थे, और अब समय ऐसा चेंज हुआ है जहां पे अब ये आपका प्यार पाने के लिए, आपका समय, आपका अटेंशन पाने के लिए अब ये तड़प रहे, ठीक है। इनको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और इस रिश्ते में जो है अबंडेंस आएगी, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना आपको और इस एनर्जी को, डेफिनेटली ये इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी और बदलाव नहीं ला सकते जो इस रिश्ते में होनी चाहिए, ठीक है। मन से ये काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई ना कोई नया नया प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। ये सपोज मान लो इनका बहुत बड़ा सा एक गार्डन है, ठीक है, उसमें आप थे तो बहुत अच्छे से देख रेख करते थे, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते थे, बहुत
बहुत अच्छा लगता था, इनको भी बहुत खुशी होती थी, ठीक है। अब ऐसा सपोज मान लो कि आप उस गार्डन में हो ही नहीं, करीबन साल बीत चुका, 6 महीने बीत चुके, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो गार्डन बहुत ज्यादा मुरझा सा गया है, या फिर उसके फूल जो है वो सूख से गए हैं, ठीक है, पौधा बहुत बेजान हो गया है, और धीरे धीरे करके पूरा गार्डन जो है कहीं ना कहीं हरा भरा था, अब वो गार्डन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से हैप्पीनेस, ओके, ये गार्डन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इनके लाइफ में जब आप थे ना, सो धीरे धीरे ना करके बट इनके लाइफ में ग्रोथ जरूर होती थी, ठीक है। आप इनका वो स्ट्रेंथ हो, आप इनका वो डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है, जो आप इनको हिम्मत देते, आप इनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करते, ठीक है, आप इनको बहुत ज्यादा प्यार देते, कहीं ना कहीं आपने इनको अपने प्यार से, अपने इमोशंस से, अपने बिहेवियर से, ठीक है, अपनी चंचलता से, कहीं ना कहीं आपने इनको डेफिनेटली इनके लाइफ में चीजें जो है बहुत अच्छी कर दी थी, ठीक है। और अब इस समय अगर आप नहीं हो इनके जीवन में, सो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा ये सारी चीजें खल रही है, ठीक है, इनको बहुत आपकी कमी महसूस हो रही है इस वक्त। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश मैंने उस समय इस रिश्ते का बर्डन ले लिया होता, ठीक है, या काश उस समय मैंने चीजें बदली होती या कुछ और कह दिया होता, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें ये डेफिनेटली बताते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। दिल से ये डेफिनेटली चाहते हैं कि जो चीजें आप लोगों में खत्म हुई थी, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, वो चीजें खत्म हो जाए और आपके लाइफ में एक एडवेंचर आए, ठीक है, करेज आए, जहां पे वापस से चीजें स्टार्ट हो, ठीक है, वापस से आप दोनों में हलचल हो, ओके, वापस से चीजें फिर से फ्लावर की तरह खिले, ठीक है। ये ना आपने ऐसा मान लो कि इनके जीवन में ना आपके बिना ना लाइक जी पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, आप इस बात को मानने से स्वीकार करो, मार करें ना करें, ठीक है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके बिना ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खालीपन महसूस करते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीजें इनके फेवर में नहीं है, ठीक है, हर चीज इनके फेवर से बाहर है, हर चीज इनसे कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं, हर चीज कहीं ना कहीं इनसे डिमांड करती है, हर चीज इनसे कुछ ना कुछ लेने में रहती है, ठीक है। ये लोग भी हो सकते हैं जहां पे इनको ऐसा लग रहा है कि हर लोग कहीं ना कहीं इनसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं, सब लोग इनसे कहीं ना कहीं कुछ लेने की चाहत रखते हैं, ठीक है, चाहे वो पैसा हो, चाहे इनका टाइम हो, चाहे इनके इमोशंस हो, हर कोई चाहता है। बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बिना पैसों के, बिना कुछ इनसे लिए, ठीक है, आप इनको लाइक बहुत ही निस्वार्थ प्रेम करते रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं उस प्रेम को ये बहुत महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप इन पे गुस्सा करते, आप इनसे टाइम मांगते, आप चिल्लाते, इनको कॉल करने के लिए कहते, ठीक है, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से इनको डेफिनेटली पास्ट में इरिटेट हो रहा था, ठीक है, ये इरिटेट हो रहे थे, लिटरली इनको ऐसा लग रहा था कि भाई इस तरीके से कौन करता है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपसे सेपरेशन में आ गए उस वक्त, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया आप दोनों के बीच में, बट इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट को खत्म करके आपके साथ एक नए रिलेशनशिप की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। काफी लंबे समय से मैं नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको कॉल कर ही देंगे, बिकॉज ये माइंड वैसा बना रहे हैं, ठीक है, अपने आप को पुश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, डेफिनेटली ये कॉल करने के लिए खुद को पुश करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा पुश करते रहते हैं कि कॉल कर लो, मैसेज कर लो, समटाइम्स ये होता भी है, ठीक है, ये कॉल उठाते हैं, आपको कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, फिर वो उन सारी खामियों को याद करने लगते हैं, जो वो सारी गलतियां, वो सारी चीजें याद करने लगते हैं जो लास्ट टाइम बात करते समय हुई थी, या इस रिश्ते में रहते हुए जो चीजें आप दोनों में घटित हुई थी ना, उन सारी चीजों को ये डेफिनेटली याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि इनको लगता है कि भाई इस रिश्ते में ना रहना ही सही है, भले इस रिश्ते में एडवेंचर है, भले इस रिश्ते में सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत किया जा सकता है, ठीक है, बट मुझे नहीं रहना, बिकॉज वापस से वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, वापस से पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वापस से वो सारी चीजें होंगी, आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, अगर ये नहीं देंगे, आप इनसे प्यार मांगोगे, समय मांगोगे और ये आपको नहीं दे पाएंगे, सो फिर से सेपरेशन आप दोनों में आ जाएगा, ठीक है। दिल चीख चीख के कह रहा है कि आपके पास आ जाए, बट ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं कि भाई दिल भी इनका कहता है कि अवेयर हो जाओ, ठीक है, इस रिश्ते में जाना है, इस रिश्ते में तुम्हें बात करना है, रहना है, इस चीज को ये मानते जरूर है कि यस मुझे इस रिश्ते में जाना है, मुझे इस पर्सन की जरूरत है, बट समटाइम्स ये इस चीज को निग्लेक्ट भी करते हैं, ठीक है, लेट गो करके हटाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं ये चीजें मुझे नहीं करनी है, बिकॉज अगर इस चीजों को मैं भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, अगर मैं भुला के इन सारी चीजों को अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं, सो वापस से वो सारी चीजें मेरे साथ हो सकती है, ठीक है। सो इसके लिए भी ये पर्सन डेफिनेटली डरते जरूर है,
ओके, इनकी ऑल ओवर माइंड की जो एनर्जी है उसमें आप देखो बर्डन आया हुआ है, राइट. इनके ऑल ओवर दिल की जो एनर्जी है, दिल से एक पर्सन क्या सोच रहा है, सो आप देखो खुद लेट इन गो की एनर्जी है. दिल से सब कुछ भुला के कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें हंसना, खेलना, उठना बैठना, ठीक है, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे की टांग खींचना, कहीं ना कहीं वो सारी पॉजिटिविटी है, ठीक है. और एक तरफ आप देखो कि सेपरेशन भी है, इनका दिल इनसे ये भी कह रहा है बर्डन है, सेपरेशन है, ठीक है. उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता जोड़ना डेफिनेटली चाहते हैं. सो मैं यहाँ पे सेपरेशन को कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है. सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, बिकॉज ये सोच बहुत कुछ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए. बट हर बारी कहीं ना कहीं चीजें इनके हाथ से इनको ऐसा लग रहा है कि निकल रही है, ठीक है. दी हर्मिट की एनर्जी डेफिनेटली अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, ठीक है. आपके पर्सन सोचते बहुत ज्यादा है, सोसाइटी इमेज मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है. सोसाइटी का डर, सोसाइटी की वजह से बहुत ज्यादा ये डरते हैं पर्सन, ठीक है. ये आपको अपनाते इसलिए नहीं है ना, बार बार ये सेपरेशन में चले जाते हो आप लोग. हो सकता है सोसाइटी के बारे में या फैमिली के बारे में, फैमिली इनको कुछ और कहती हो, ठीक है. हो सकता है आप इनकी फैमिली को जानते हो या आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं इनकी फैमिली काफी अच्छी है, बट हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करते हो, ठीक है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत खराब है या वो प्रिटेंड करती है, ठीक है. बट एनर्जी वही पिक हो रही है कि कुछ लोग हैं इनके लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इनको बस दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि वो इनके साथ है, ठीक है. वो इनको प्रिटेंड ऐसा करते हैं, बट कहीं ना कहीं पीठ पीछे ये इनको ये भी समझाते हैं कि फलाना पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम इससे भी अच्छा तुम्हारे लिए लड़का या लड़की ढूंढ देंगे, ठीक है. इससे भी अच्छा तुम्हारी, इससे भी अच्छी तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, ठीक है. अच्छे ऑप्शंस लाइफ में मिलते हैं. सो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो है डेफिनेटली, आप माने ना माने या कुछ भी आप मुझे बोले, ठीक है. बट मुझे आप ऐसा लग रहा है, यस, दो से तीन लोग इनके लाइफ में डेफिनेटली है, ये इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव्स या इनके कोई घर में, ठीक है, या इनके आसपास के कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो इनको समझाता जरूर है, ठीक है. और बहुत डीप जाकर के समझाता है, जिससे आपके पार्टनर काफी इन्फ्लुएंस भी होते हैं और सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यह बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है. एक इंसान होता है जो सुनता सबकी है बट करता खुद के मन की है, ठीक है. बट आपके पार्टनर में ऐसा है कि वो सुनते सबके हैं, ठीक है, और सबके फेवर में 10-20% काम कर लेते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लो कोई कुछ बोल के चला गया, कोई फलाना पर्सन कुछ बोल रहा है, तो 30 उसके फेवर में, 40 उसके फेवर में, करते करते ये खुद का रिश्ता ही बर्बाद करके बैठने वाले पर्सन है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोग हैं, कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है, और उनके बातों को लेके ये बैठे हुए. हालांकि आपके पास जाना है, अकेलापन है, दी हर्मिट की एनर्जी, वर्गो हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ठीक है. दी हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है अकेलेपन को. सो इनको पता जरूर है कि आपके बिना अकेले है. इनका दिल कहता है कि आपके बिना सेपरेशन है, ठीक है. आपके पास आया जाए, आपसे कनेक्ट हुआ जाए, आपसे किया जाए, बट अगेन ये सोच में पड़ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या जो फैमिली वाले कह रहे हैं वो सही है, ठीक है. इस पार्टनर के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, डेफिनेटली आई फील कि इस पर्सन के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, जिसके कारण ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है. और ये लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसके कारण ये समटाइम्स अपने लाइफ के बारे में कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है. कुछ अच्छी चीजें ये सोच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके लाइफ में सिचुएशन जो है वो हमेशा कंफ्यूजन वाली बनी रहती है, ठीक है. सो लोगों की वजह से ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लोग ही इनको हर जगह में कहीं ना कहीं समझाते बहुत ज्यादा है, ठीक है. जिसके वजह से आपके पार्टनर खुद के दिल की नहीं सुन पाते और उनका मन भी होता है ना आपसे बात करने के लिए, तो भी वो आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस जरूर क्रिएट करते हैं, ठीक है. ओके, सो यही एक वजह हो सकती है जिसमें ये पर्सन इन सारी चीजों से परेशान रहते हैं, ठीक है. जिसके कारण ये आप तक आ नहीं पाते. इनको ऐसा लगता है अगर ये आपके पास आ भी जाए तो क्या ही कुछ हो जाएगा, राइट. वही सारी चीजें रिपीट होंगी, आप समझोगे नहीं इनको, वही सारा बर्डन ये फिर से फेस करेंगे, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं खुद को रोकते और कंट्रोल जरूर करते हैं, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली अवेयरनेस की एनर्जी आई है, राइट. सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, एनर्जीज को जरूर क्लेम करे, ठीक है. शेयर करे वीडियो को, लाइक करे, डिवाइन टैरो को ढेर सारा प्यार दीजिए. सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में. बाय गाइज.